नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्तां में और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। प्रखंड क्षेत्र के गायघाट पंचायत के वार्ड नंबर 4 में पंचायत समिति के धान पराली में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रात के 2 बजे आग लगा देने की घटना सामने आई है। बता दें कि पंचायत समिति प्रतिनिधि मोहम्मद मुर्तजा ने बताया कि रात को अपने घर पर सोए हुए थे, अचानक बगल के रहने वाली जुबेदा खातून के घर से धान का पराली रखा हुआ था, जिसमें रात के 2 बजे आग लगने से महिला जुबेदा खातून चिल्लाने लगी। तब गुलाम मुर्तजा को आवाज लगाए, जैसे ही उठे तो देखे कि पराली में आग चारों तरफ से लगी हुई है। आनन फानन में निजी मोटर के द्वारा आग पर काबू पाया गया। अगर देर हो जाती तो उस गरीब विधवा महिला का एवं समिति का घर पूरी तरह जलकर राख हो जाता। अब बात यह है कि आए दिन अनुमंडल क्षेत्र में इस तरह की घटना सामने आ रही है, कहीं चोरी की घटना एवं कहीं आग लगी का घटना। अब इन अज्ञात बदमाशों को कैसे गिरफ्त में लिया जाए, यह एक चिंतनीय विषय है। देखिए आगे खास रिपोर्ट। करीब 2 बजे रात को, वो घर के बगल में वो एक औरत थी। वो औरत हम लोग को गेट को ढंगाया, तब हम लोग उठे। उठने के बाद देखते हैं चारों तरफ आग लग मैंने फैल चुका है जाग में, और ये दुश्मनी के तहत आग लगाया गया है ताकि ये लोग जल जाए, मर जाए। अभी संदेह नहीं है, लगता है कि वो दुश्मनी के तहत ही आग लगाया है। आपको पहले किसी के साथ कोई दिक्कत? हमने तो भाई पंचायत प्रतिनिधि हैं, अब सबसे साथ हम लोगों को उठना बैठना बोलना चलना पड़ता है। अब क्या किससे दुश्मनी और यह गिला सिकवा, ये सरासर लगता है कि दुश्मनी के तहत ही आग लगाया गया है। मैं मोहम्मद गुलाम मुर्तजा, पंचायत समिति प्रतिनिधि, गायघट्टा पंचायत। पता चले कि वो ये मर्सद बेटी जवाब दे की त्या, हाँ बारह बजे बाद आते और आप पैसा फिर और मौका से समझ जवाब दिया। हर हमें कहना चाहिए रुबेदा।